CH341 प्रोग्रामर से सॉफ्टवेयर करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि ये जो जम्पर है ये एक नंबर दो नंबर पर ही कनेक्ट होना चाहिए, तभी प्रोग्रामिंग होगी। और इसके अलावा ज़रूरत पड़ती है एक PVC प्लेट की। अगर ये प्लेट नहीं है तो एक अडेप्टर भी आता है 8 पिन वाला, जिसका फ़ोटो मैं साइड में ऊपर दे दूंगा आपको, तो आप उसमें भी IC लगा सकते हैं और इसमें भी IC आप माउंट कर सकते हैं। इसमें आपको सोल्डिंग आयरन की मदद से या हीट गन की मदद से लगाना पड़ेगी, और ऊपर जो साइड में आपको पिक दिख रही है उसमें आप ऐसे ही IC लगा सकते हैं और इसमें प्रोग्रामर कर सकते हैं। इसके बाद इस PVC प्लेट को मैं CH300 प्रोग्रामर में लगा रहा हूँ। अब ये बाई चांस कभी कभी उल्टी IC भी लग जाती है हम लोगों से, तो पता नहीं चलता, तो उसका तरीका ये है, जैसे ही मैंने इसको कंप्यूटर में लगाया तो मुझे कंप्यूटर से कोई साउंड सुनाई नहीं दिया कनेक्टिविटी का, और इसकी लाइट भी डिम जल रही है। लाइट डिम जलने का मतलब IC उल्टी लग गई है इसमें, तो हमें कुछ नहीं करना है, IC वापस निकालना है प्रोग्रामर को और प्लेट को पलट के लगा देना है, या जो आपने अडेप्टर यूज करा है 8 पिन वाला जो मैंने पिक्चर बताई थी उसको पलट के लगा देना है, और इसको फिर लगाना है कंप्यूटर में। जैसे ही आप कंप्यूटर में लगाओगे तो आपको एक साउंड सुनाई देगा क्लिक का, वो लाइट तेज़ जलने लगेगी। इसका मतलब CH प्रोग्रामर हमारा कनेक्ट हो चुका है कंप्यूटर से, और IC भी प्रॉपर लगी हुई है। अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने ये प्रोग्रामर खोल लिया है, और सबसे पहले IC को डिटेक्ट करते हैं। IC डिटेक्ट हो चुकी है हमारी, ये इसका वर्जन आ चुका है IC का। इसके बाद हम इसको रीड करेंगे, इरेज करेंगे, सॉरी, सबसे पहले इसको इरेज करेंगे। ये हमारी IC इरेज हो रही है, और ये IC इरेज हो चुकी है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारी IC इरेज हुई है कि नहीं, इसके लिए एक बार रीड करना पड़ती है। ये रीड हो रही है IC, इसमें भी कुछ समय लगता है, जैसे कि 10 सेकेंड या 12 सेकेंड, वो IC के मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने MB की IC है, 4 MB की है, 8 MB की है, या 16 MB की है, या 32 MB की, मतलब उस हिसाब से टाइम लगता है प्रोग्रामिंग में, इरेज में और वेरीफाई करने में। ये हमारी कंप्लीट होने वाली है, और ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये आपको FFFF करके लिख के आ रहा होगा, इसका मतलब हमारी IC सही तरीके से इरेज हो चुकी है, और हम इसमें अब सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर करने के लिए हमको फाइल ओपन करना पड़ेगी, ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो सॉफ्टवेयर आपने रख रखा है बॉक्स के लिए उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में मैं इसमें हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने इसके लिए रख रखा है। और सॉफ्टवेयर जहाँ पर रखा है पहले आप उसको एक बार वेरीफाई कर लें कि आपका सॉफ्टवेयर सही जगह पर है कि नहीं। जैसे कि मेरा सॉफ्टवेयर न्यू फोल्डर में ना होते हुए डेस्कटॉप पर है, जो मैं ध्यान भूल गया था, और ये मैंने डेस्कटॉप पे से उठा लिया है सॉफ्टवेयर को। ये हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने ओपन करा और ये मेरा सॉफ्टवेयर आ चुका है। अब हम यहाँ से इसको डायरेक्ट रीड राइट भी कर सकते हैं, चाहो तो बारी बारी से इसके ज़रिए आप राइट कर सकते हो, और इसके बाद राइट होने के बाद इसके ज़रिए आप वेरीफाई करके पता भी कर सकते हो कि इसी का सॉफ्टवेयर है क्या। मैं मेरे केस में ऑटो प्रोग्राम पर क्लिक कर रहा हूँ, इसमें ये 2 बार की से इरेज करेगा IC को, फिर इसके बाद राइट करेगा और फिर वेरीफाई करेगा। वेरीफाई में अगर इसका खुद का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर जो कि स्टॉक फर्मवेयर बोलते हैं, अगर वो होगा तो वेरीफाई ओके आएगा, मगर मैं इसमें हेलो बॉक्स का कर रहा हूँ इसलिए मेरा वेरीफाई में बफर डाटा डिड नॉट मैच लिख के आएगा, क्योंकि बफर डाटा हेलो बॉक्स का है और मैं इसमें डाल रहा हूँ GXNK में। इसमें कुछ समय लगता है प्रोग्राम होने में,
समथिंग मान के चलिए आप 7 से 8 मिनट भी लग सकते हैं 4 MB की प्लेस IC में। तो मैं यहाँ पे अपना वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दूंगा, और इसके बाद जब ये कंप्लीट होने पर होगा तो मैं आपको दोबारगी से इसको प्ले करके बता दूंगा। जैसा कि मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है, अब ये उसके बाद मैंने वीडियो को दो बार की चालू करा रिकॉर्डिंग को, और ये अपना कंप्लीट होने वाला है सॉफ्टवेयर पूरा। और ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया वेरीफाई में। जैसा मैंने बोला था कि मैं येलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ, इसलिए बफर डाटा डिड नॉट मैच लिख कर आएगा, तो वही आया। मगर हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है। अब इस IC को मैं निकाल लूँगा अपने कंप्यूटर में से, CH प्रोग्रामर को, और उसमें से IC निकाल के इसको मैं बॉक्स में लगा दूंगा और बॉक्स मेरा चालू हो जाएगा। ठीक है भाइयों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी।